जब तक आदिवासी समाज के लिए की गई अपमानजनक टिप्पणी के लिए वो माफी नहीं मांग दे और मुख्यमंत्री जी उनका इस्तीफा नहीं ले ले। तो कि बजट आएगा, बजट के दिन भी यही स्थिति रहने वाली है, क्या लगता है कि बजट के दौरान आप लोग आगे के लिए, हम लोग नेता प्रतिपक्ष ने 9 तारीख को जो विधायक दल की बैठक बुलाने का प्रस्ताव विचाराधीन है वो 9 का बुलाते हैं या 8 को बुलाते हैं, तो हम सब लोग जो भी जितने भी प्रतिपक्ष के विधायक हैं वो बैठ करके और उस दिन निर्णय करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे। के अलावा कुछ मुद्दे जो मंत्री हैं वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आज भी स्थिति ऐसी आई कि मंत्रियों का नाम पुकारा, मंत्री आपस में एक दूसरे के बगल में देखे, जवाब कौन देगा, क्या लगता है कि सरकार का जो फ्लोर मैनेजमेंट है वो ठीक नहीं है? देखिए, सरकार जैसे पर्ची से बढ़ी है ना, उसी दिन से ही सरकार की दुर्गति होना चालू हो गई। मंत्री इस्तीफा लिए घूम रहे हैं, उनसे पार्टी आलाकमान नहीं मिल रहा है, मुख्यमंत्री के पास जैसा सुन रहे हैं कि 10 दिन पहले ही किरोड़ी लाल मीणा जी ने इस्तीफा दे दिया था, वो उसको दबाए बैठे थे, आज की तारीख में भी संशय है कि किरोड़ी लाल मीणा जी का इस्तीफा स्वीकार हुआ है या नहीं हुआ है, तो न मुख्यमंत्री सदन में मौजूद हैं, न वो कुछ कह पा रहे हैं, तो स्थिति बड़ी गंभीर बनी हुई है कि ये सरकार, मैं जो कह रहा था कि पोपा भाई का राज है, वैसे ही पोपा भाई का राज है, इसमें कोई जवाबदेही इनके नाम की कोई चीज ही नहीं है, जिसके मर्जी है जो बात कर रहा है, मर्जी ये खुद ही सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्रतिपक्ष तो अपनी बात उठाएगा ही रखेगा ही, लेकिन सत्ता पक्ष के मंत्री अपने विभागों का जवाब तो दे नहीं पाते हैं और अनर्गल बयानबाजी और सदन को डिस्टर्ब करने के लिए एनी टाइम खड़े रहते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। ऐसी व्यवस्था हमने तो नहीं देखी पिछले 15 साल में।